जबकि जनवरी से तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। और पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पंडिंदु सिंह की बेंच ने एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से फेल कर गई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अब लोग मादक द्रव्यों का, नारकोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसका निहित स्वार्थ शराबबंदी में है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों की आमदनी हो रही है। शराब के जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के रोहतास जिले के करघर प्रखंड अंतर्गत धनतेरस की रात जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो परंतु प्रशासन जहरीली शराब से मरने के पूरे मामले को छिपाने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत हुई है, जबकि जनवरी से तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। इनमें सोसराय, बांका, औरंगाबाद, सारण, ये तमाम शहर हैं या जिले जहां पर कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। और पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पंडिंदु सिंह की बेंच ने एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से फेल कर गई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अब लोग मादक द्रव्यों का, नारकोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा है। पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसका निहित स्वार्थ शराबबंदी में है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों की आमदनी हो रही है। पूरा महकमा अपराध रोकने के बजाय और शराबबंदी को रोकने में लगा है और उससे उनकी बड़ी आमदनी हो रही है। तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा, मादक द्रव्य का प्रयोग बढ़ गया बिहार के अंदर और 4 लाख से ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर जो शराब के जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पटना हाईकोर्ट ने 9 सूत्री और इसकी विफलता के कारण गिराए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का काम करें। इन्हीं से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो परंतु प्रशासन जहरीली शराब से मरने के पूरे मामले को छिपाने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत हुई है, जबकि जनवरी से तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। इनमें सोसराय, बांका, औरंगाबाद, सारण, ये तमाम शहर हैं या जिले जहां पर कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। और पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पंडिंदु सिंह की बेंच ने एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से फेल कर गई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अब लोग मादक द्रव्यों का, नारकोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा है। पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसका निहित स्वार्थ शराबबंदी में है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों की आमदनी हो रही है। पूरा महकमा अपराध रोकने के बजाय और शराबबंदी को रोकने में लगा है और उससे उनकी बड़ी आमदनी हो रही है। तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा, मादक द्रव्य का प्रयोग बढ़ गया बिहार के अंदर और 4 लाख से ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर जो शराब के जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पटना हाईकोर्ट ने 9 सूत्री और इसकी विफलता के कारण गिराए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का काम करें।